नमस्कार, मैं कविता। हम आपको बहुत जरूरी मैसेज देने जा रहे हैं जो हम सभी के हेल्थ से जुड़ा हुआ है। हमें लगता है कि इस जानकारी को लेकर आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए या अच्छे डॉक्टर से पता करें। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य खाने की सामग्री, विशेषकर तले तेल से तैयार सामग्री से पैक कर उसे वितरण या भंडारण जमा करने के लिए अखबारी समाचार पत्र या अन्य प्रिंटिंग पेपर्स का इस्तेमाल नहीं करने के लिए निर्देश खाद्य कारोबारकर्ताओं को दिए। राजनांदगांव के उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अनुसार अक्सर देखा जाता है कि चौक चौराहों में संचालित होटल रेस्टोरेंट चालकों द्वारा खाद्य सामग्री जैसे बड़ा समोसा, पकौड़े, अन्य खाने की वस्तुओं को पैक करने या वितरित करने के लिए अखबारी समाचार पत्रों या अन्य प्रिंटिंग पेपर्स का उपयोग किया जाता है। कम लागत के साथ आसानी से उपलब्ध होने के कारण खाद्य सामग्री को खाने और पैक करने के लिए अखबारी समाचार पत्रों या अन्य प्रिंटिंग पेपर्स का उपयोग किया जाना मानव स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से नुकसानदायक। संबंध में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी कर खाद्य सामग्री के वितरण एवं भंडारण हेतु अखबारी पेपर्स या अन्य प्रिंटिंग पेपर्स के उपयोग को बंद करने के दिशा निर्देश किए हैं। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार खबरों या प्रिंटिंग पेपरों की छपाई के लिए उपयोग में ली जाने वाली स्याही में कई तरह के रंजक होते हैं जो गीली या तैलीय खाद्य सामग्री के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इससे पाचन तंत्र संबंधी समस्या, एलर्जी, टॉक्सिसिटी सहित कई गंभीर बीमारियों हेतु हमारे प्रतिरक्षण तंत्र में कमजोर। विभाग द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं और आमजन से अखबारी समाचार पत्रों या अन्य प्रिंटेड पेपर्स का उपयोग खाने के दौरान इस्तेमाल नहीं करने की अपील, किसी और को इस्तेमाल नहीं करने की समझाइश देने के लिए कहा है। इसके बावजूद किसी खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन के ईमेल foodrgn@gmail.com में या स्थानीय जिला कार्यालय में संपर्क कर शिकायत दर्ज कर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में निर्देशों के पालन हेतु जन जागरूकता सहित अभियान लगातार रणनीति तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही की तैयारी। जानकारी के बाद आपको हमारी बात ध्यान में आ गई होगी कि हमने कहा था कि आपको अच्छे डॉक्टर पता कर लेना चाहिए, तो उम्मीद है कि प्रिंट वाले पेपर या कोई भी ऐसे कागजों का इस्तेमाल खाने की वस्तुओं में ना करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।